हेलो, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दुनिया के दो रिचेस्ट लोग, एक है जेफ बेजोस एंड दूसरे है मुकेश अंबानी, इन दोनों के बीच की लड़ाई फ्यूचर ग्रुप को लेके। क्यों ये लड़ाई है, उसके पीछे के क्या कारण है, और ओवरऑल रिलायंस किस तरीके से, और रादर आई वुड से जियो किस तरीके से अमेजोन के साथ में टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। सो आइए जानते हैं सारी चीज़ें इन डिटेल इन दिस वीडियो। सो सितंबर 2016, आपको याद होगा, सारे लोग इंडिया में सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बिकॉज देयर वाज अ अनाउंसमेंट कि 4G हाई स्पीड डेटा फ्री में सब लोगों को 3 महीने के लिए यूज़ करने के लिए मिलेगा। व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा पकड़ बनाए हुए हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वहाँ उस टाइम पे और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे, यूनिनॉर थे एंड टाटा डोकोमो की सर्विसेज भी थी। ऐसे ओवर कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक स्ट्रैटेजी जिसने तहलका मचा दिया, सारे लोगों के पास में उस टाइम पे ये क्यूरियोसिटी बन गई कि वाह, फ्री में मोबाइल डेटा, जिस वक्त 1 GB के लिए एक एवरेज यूज़र 350 रुपये से 400 रुपये पे करता था पूरे महीने भर के लिए, और वही 1 GB डेटा आपको 1 महीने की जगह हर दिन मिलने वाला था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स। व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, एंड इसने पूरा मार्केट हिला दिया। एंड उसी के तहत विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स रिलायंस जियो इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट प्लेयर इन टेलीकॉम मार्केट। और यही सेम स्ट्रैटेजीज वो यूज़ करना चाहते हैं इन डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पे वो हर घर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। एंड इसी के तहत एक अनाउंसमेंट हुई थी 2020 के अंदर कि रिलायंस जो है फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर रहे हैं। बट ऑलरेडी 2019 में अमेजोन में फ्यूचर ग्रुप ने इन्वेस्ट किया था और उसके 4.9% स्टेक अमेजोन के पास में चले गए थे। और उसी टाइम पे उन्होंने एक एंटी कॉम्पीट क्लॉज भी साइन किया था, जहाँ पे एक 20 कंपनीज की लिस्ट अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप को दी थी कि वो एंटी कॉम्पीट एग्रीमेंट के तहत इन कंपनीज के साथ में बिजनेस नहीं कर सकते, एंड उसमें एक नाम रिलायंस का भी था। एंड उसी के बेसिस पे ये जो लॉ सूट है वो फाइल किया गया, एंड वहाँ से फाइट शुरू हो गई दो दुनिया के रिचेस्ट लोगों के बीच में। सो आइए जानते हैं कि क्यों ये फ्यूचर ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च भी की है, आइए लेके चलता हूँ आपको मेरे रिसर्च के अंदर। आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, रिलायंस के रिटेल स्टोर्स जो है वो 11,931 स्टोर्स है, और इसमें सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर्स एंड ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, और ये फैला हुआ है 7,000 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया। और इन 11,931 स्टोर में 640 मिलियन फुटफॉल यूजुअली देखा जाता है एंड होता है। इंडियन मार्केट को भी थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट, फीलिंग द प्रोडक्ट एक बहुत ही की एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन मेकिंग अ परचेसिंग डिसीजन, एंड दैट्स व्हाई फिजिकल स्टोर की इम्पोर्टेंस, भले ही आपका ऑनलाइन है और चल रहा है, अगर आप उसको क्लियरली एनालाइज करेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है इसका tier 1 सिटीज से ही आता है ऑनलाइन परचेसिंग में। बट जो कि tier 2, tier 3 सिटीज़ है, वहाँ पे अभी भी लोग फिजिकली जाके देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं उन चीज़ों को जिसको वो ख़रीदने वाले हैं। और इसी के तहत फ्यूचर ग्रुप का डील बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के पास में भी tier 1, tier 2, tier 3 सिटीज़ में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, 1,500 आउटलेट्स हैं, जिसमें बिग बाज़ार, हाइपर मार्केट से लेके उनके पेंटलूंस एंड बहुत डिफरेंट जो उनके ब्रांड्स हैं, वो उन सारों का एक्सेस इस एक्विजिशन डील से रिलायंस के पास में चला, जो कि इनिशियली अमेजोन के साथ वाले एग्रीमेंट में प्लान था कि अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट का भी स्कोप आएगा, जबकि फ्यूचर ग्रुप कंपटीशन के पास में नहीं जा सकते, तो अमेजोन उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो अमेजोन को दिया जाएगा। बट यहाँ पे 2019 के बाद में सिचुएशन बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ पैंडमिक, जहाँ की फ्यूचर ग्रुप का सारा बिजनेस फिजिकल स्टोर्स पे ही निर्भर था। ड्यू टू पैंडमिक उनके सारे 1,500 स्टोर्स आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया वो बंद हो गए, और उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि उनकी क्रेडिट रेटिंग भी जो है वो 2 पॉइंट से नीचे खिसक गई, और उनकी इस तरीके की हालत हो गई कि 29,000 एम्प्लॉयज़ जो है उनकी जॉब्स और उनकी सैलरीज रिस्क में आ गई।
फ्यूचर ग्रुप की तरफ से यही एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वाई दे मूव अहेड टू रिलायंस एक्विजिशन डील। ये तो हो गया फ्यूचर ग्रुप के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे रिलायंस मुकेश अंबानी प्लान कर रहे हैं टेक ओवर अमेजॉन फ्लिपकार्ट एंड अदर बिग जायंट ई कॉमर्स प्लेयर्स इन इंडिया। यहाँ पे विथ रिलायंस जियो एंड जियो मार्ट उन्होंने ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोर्स बहुत सारे लोकल वेंडर्स के साथ में टाइप कर लिया है। एंड जहाँ पे प्राइस पॉइंट एक बहुत ही क्रूशियल सेगमेंट है व्हेन मेकिंग अ परचेज डिसीजन, गवर्नमेंट ने कोई भी फॉरेन कंपनीज को अपनी इन्वेंट्री एक्वायर करने से मना किया है, वहाँ पे उनको रोक लगाई है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्क में इन्वेंट्री एक्वायर करेंगे, उसके ऊपर डिस्काउंट्स एंड लो प्राइसेस के तहत वो मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो कि फेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। इसीलिए फॉरेन कंपनीज को स्पेसिफिकली इंडिया में बैन किया गया है टू एक्वायर एंड होल्ड देयर ओन इन्वेंट्री। यहाँ पे एक ये क्लियरली एक मेजर एडवांटेज आ जाता है रिलायंस जियो के पास में, बिकॉज दे कैन स्टिल एक्वायर लार्ज चंक ऑफ क्वांटिटी एंड दे कैन शेल आउट मैसिव डिस्काउंट्स इन द मार्केट। एंड इसी तरीके से प्राइस पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन प्लेइंग इन इंडियन मार्केट, वहाँ पे वो जियो टेलीकॉम के जैसे ही यहाँ पे भी वो विनिंग स्ट्रेटजीज तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है रिटर्न एंड रिफंड्स। इसके वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके वजह से उनको करोड़ों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप रिटर्न करते हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक अप्लाई होता है, क्योंकि जब भी वो आपके पास में प्रोडक्ट आता है वो फुल्ली पैकेज प्रोडक्ट आता है। आप उसको देखोगे, उसको ट्राई आउट करोगे, तो ऑब्वियसली आप उसकी सारी पैकेजिंग सारी चीज़ें खोल के आप वो फ़ोन हो या फिर कोई भी चीज़ हो वो वेरीफाई करोगे, एंड उसके बाद में अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वो आप वापस करते हो। तो इसमें इनवर्ड शिपिंग, जो आप तक प्रोडक्ट पहुंचाया गया उसकी भी शिपिंग लग गई, जो वापस लेके गए, जनरली इन बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स के जो गोडाउन है, जो ह्यूज बड़े साइज़ के गोडाउन है, छोटे जो पार्सल शिपमेंट के लिए वगैरह आते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट बड़े वाले जनरली मेट्रो सिटीज़ में प्लान किए जाते हैं ताकि वहाँ से फिर ये जो फर्दर शिपमेंट का प्रोसेस है वो कैरी आउट कर सके। तो यहाँ पे एक क्लियरली बहुत बड़ा लॉस उनको होता है रिटर्न ऑर्डर्स से, आउटवर्ड शिपमेंट का भी उनको पे करना पड़ेगा, एंड प्रोडक्ट्स अनपैक हो गया है तो उसको फिर से उनको क्वालिटी चेक के लिए भेजना पड़ेगा और उसके बाद में रिपैकेजिंग के लिए भेजना पड़ेगा। सो दिस इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अभी सेम चीज़ अगर हम रिलायंस जियो के साथ में कंपेयर करते हैं तो उनके, जैसे हमने डिस्कस किया, 11,931 स्टोर्स हैं अक्रॉस 7,000 सिटीज़। सो आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो इन स्टोर से आपको हाइपर लोकल डिलीवरी के तहत विद इन 2 to 3 hours आपको मुहैया किया की जा सकती है। एंड अगर उसके रिटर्न का कोई चांस आता है, वही डिलीवरी पर्सन आपका पैकेज जो है वो उन लोकल स्टोर्स में पहुंचा सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट सिस्टम हो जाती है, जहाँ पे डिलीवरीज आर मोर इफ़िशियंट। कोई भी प्रोडक्ट आपको 2 to 3 hours में आपके हाथ में होगा खरीदने के बाद में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कंपेयर करोगे जो भी स्टैंडर्ड गुड्स है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, अगर कोई मोबाइल फ़ोन का भी ब्रांड है वो आप अक्रॉस ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चेक कीजिए, उनके प्राइस आपको आइडेंटिकल मिलेंगे। तो अगर आपको सेम प्राइस में कोई चीज़ मिल रही है, 2 hours के अंदर डिलीवर हो रही है आपके डोर स्टेप पे, तो डेफिनेटली आप उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे। एंड यहाँ पे प्राइस पॉइंट, जैसे हमने बात की, बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा, जिसको मुकेश अंबानी जी बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे प्ले आउट करना है ऑन प्राइस पॉइंट इन इंडियन मार्केट। तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें और ज़्यादा थोड़ी डिस्काउंट में भी मिल जाए, तो डेफिनेटली अगेन जो आपका झुकाव होगा वो जियो की तरफ होगा। अब जबकि प्राइस पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये भी जानते हैं कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इतने कम में ये ई कॉमर्स स्टोर आपको ऑफर कर सकते हैं। सो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है आपकी डील साइज़ क्या है, आपका मार्केट साइज़ क्या है। मार्केट साइज़ आपका डिसाइड करता है कि आपको कितने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी, और कितने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना बेटर प्राइस मैन्युफैक्चरर से मिल सकता है। जितना बड़ा आपका मार्केट, जो कि आज के डेट में अमेजोन का 31.2% है, फ्लिपकार्ट 31.9% है, एंड रिलायंस ऑफलाइन मार्केट में आज भी बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो वो अगर निगोशिएशंस की बात आती है विद मैन्युफैक्चरर, सो क्लियरली एक एडवांटेज रिलायंस को मिल सकता है व्हेन वी आर कंसीडरिंग ओनली एंड ओनली इंडियन मार्केट।
हाँ, अमेजोन बाहर बहुत सारे देशों में है, करेक्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिया, जहाँ पे ये बैटल चल रहा है। आई होप आज के इस वीडियो से आपकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई होगी कि आने वाले फ्यूचर में इन दोनों दिग्गजों के बीच में लड़ाई का क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, और दूसरा, आने वाले समय में जियो किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने वाला है टू डोमिनेट द इंडियन मार्केट। सो इसी थॉट के साथ में आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।